सो हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से आपने भारतीय कार बाज़ार में एक कार का नाम तो सुना ही होगा, टाटा ब्लैकबर्ड। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स के पास काफ़ी सारी कार है, लेकिन टाटा मोटर्स के पास एक मिड साइज SUV जो कि ह्यूंडई क्रिएटा किया सेल्टोस के सेगमेंट में आती है, उस सेगमेंट में ऐसे कोई भी कार नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना है कि टाटा मोटर्स जल्दी अपनी एक ब्लैकबर्ड नामक SUV को भारतीय कार बाजार में लॉन्च कर सकती है, जिसकी डिटेल आज आपको इस वीडियो के द्वारा मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको टाटा ब्लैकबर्ड के एक्सपेक्टेड डायमेंशंस, प्राइस, लॉन्च डेट, वहीं उसी के साथ साथ इसके एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपको अपकमिंग टाटा की जो ब्लैकबर्ड मिड साइज SUV है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो सबसे पहले बात की जाए इसके प्लेटफॉर्म की, तो टाटा ब्लैकबर्ड में आपको नेक्सॉन से सिमिलर प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकता है। डिजाइन लैंग्वेज आपको इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज जो कि टाटा हैरियर और नेक्सॉन में देखने को मिलता है, वो डिज़ाइन लैंग्वेज इस कार में आपको कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। वहीं इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो लगभग इसकी लेंथ रह सकती है 4400 mm की, वहीं विड्थ इसमें आपको लगभग 1800 mm की देखने को मिल सकती है, वहीं हाइट इसमें 1650 mm की हाइट कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में इस कार में आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। फ्रंट लुक की बात की जाए तो इसमें आपको कनेक्टेड LED DRLs के साथ LED हेडलैम्प्स कंपनी प्रोवाइड कर सकती है विद फॉग लैम्प। वहीं इसमें आपको फॉक्सी स्किड प्लेट के साथ काफ़ी स्पोर्टी बम्पर कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। इसमें आपको टाटा का न्यू लोगो कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। फ्रंट लुक्स में आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बल्की एंड हैवी देखने को लगती है। इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलने वाला है और इस कार में आपको 360 कैमरा की वजह से फ्रंट में आपको कैमरा की प्लेसिंग भी देखने को मिलने वाली है ग्रिल के नीचे। वहीं साइड पोर्शन की बात की जाए तो साइड में आपको स्किड प्लेट के साथ काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको साइड क्लैडिंग, विंडो क्रोम लाइनिंग कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको लगभग 17 से 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स कंपनी प्रोवाइड कर सकती है जो कि डायमंड कट रह सकते हैं। वहीं इस कार के लुक्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और बल्कि रहने वाले हैं साइड पोर्शन से। रियर सेक्शन की बात की जाए तो रियर सेक्शन में आपको काफ़ी प्रीमियम LED टेल लाइट देखने को मिलने वाली, ऑटोमेटिक टेल लैंप्स देखने को मिलने वाला है, न्यू टाटा लोगो के साथ साथ काफ़ी प्रीमियम स्पोर्टी बम्पर के साथ प्रीमियम स्किड प्लेट कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। रियर सेक्शन में आपको डिफ्यूज़र, रियर वाइपर विथ रेन सेंसिंग देखने को मिलने वाला, साथ ही इसमें आपको रूफ रेल्स के साथ साथ पैनोरामिक सनरूफ भी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है और शार्क फिन एंटीना इस कार में आपको रियर सेक्शन में देखने को मिल सकता है। लुक्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहने वाले हैं कार के, जो कि आपको मिड साइज SUV सेगमेंट में कड़ा मुकाबला पेश कर सकती है ह्यूंडई क्रिएटा, किया सेल्टोस, अर्बन क्रूजर और हाई राइडर जैसी SUVs को। वहीं इस कार की मेजरली इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शंस कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, जैसे 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 170 PS की पावर, 205 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, और दूसरा हो सकता है इसमें आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि आपको 135 PS की पावर जनरेट कर सकता है। लुक्स के साथ साथ कार में इंजन भी आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलने वाला है। कार के ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें आपको 5-speed मैनुअल, ऑटोमेटिक, वहीं इसके साथ साथ 7-speed DCT ट्रांसमिशन कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। लुक्स के मामले में गाड़ी डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ भी आ सकती है। वहीं इस कार के इंटीरियर फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको 2-spoke स्टेयरिंग व्हील जो कि अपकमिंग टाटा नेक्सॉन में भी आपको देखने को मिलने वाली, जो कि हाल ही में स्पोर्ट हुई, वो मिल सकती है विद स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ। वहीं इसमें एडास की टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। रियर सेक्शन में आपको लेदरेट ब्लैक कलर इंटीरियर के साथ साथ काफ़ी प्रीमियम लेदरेट सीट्स देखने को मिल सकती है इसके टॉप एंड वेरिएंट में, उसी के साथ साथ इसमें आपको कप होल्डर्स, सनग्लास होल्डर देखने को मिल सकते हैं। इस गाड़ी में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 7 inches डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 inches टच कंट्रोल सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, AC, वायरलेस चार्जिंग, क्लूड कोल्ड ग्लव बॉक्स मिल सकता है। वहीं कार में कंपनी फ्रंट 2 सीट्स में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल प्रोवाइड कर सकती है। रियर सेक्शन की बात की जाए इंटीरियर में, तो इंटीरियर में रियर सेक्शन में आपको रियर SC वेंट्स विद कंट्रोल्स के साथ साथ 60-40 स्प्लिट में रियर सीट्स देखने को मिल सकती है विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट के साथ गाड़ी आ सकती है। वहीं इंटीरियर में आपको एक तगड़े फीचर्स लेस काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको ओल्ड और पावर विंडोज, प्रीमियम 6-speaker साउंड सिस्टम कंपनी प्रोवाइड कर सकती है।
इसके इंटीरियर में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिल सकता है। वहीं कार अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और बल्की लगने वाली है इंटीरियर से। प्राइसिंग की बात की जाए तो गाड़ी की प्राइसिंग लगभग 11 लाख रुपीस के आसपास रह सकती है। लॉन्चिंग की बात की जाए तो इसकी लॉन्चिंग लगभग नवंबर 2023 तक भारतीय कार बाज़ार में हो सकती है और इसका लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि टाटा मोटर्स के पास कोई भी मिड साइज एसयूवी नहीं है जो कि भारतीय कार बाज़ार में 11 से 18 लाख के बीच बीच में आपको देखने को मिले। लेकिन कंपनी से लॉन्च कर देती है तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रहने वाली है क्योंकि मिड साइज एसयूवी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें काफ़ी लोग कार खरीदने का विचार बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये एसयूवी यानी कि टाटा ब्लैकबर्ड कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको हमारी एक और नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू, यू हैव वेरी नाइस डे।